बाकी काम करती हूँ। और सुन, जल्दी आना। रामू, कहाँ जा रहा है तू? अबे मुंह से क्यों नहीं बोल रहा? मुंह में जुबान नहीं है क्या? अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? भूल गए क्या आज उसका मौन व्रत है? मौन व्रत है? अबे ये कौन से नए ड्रामे हैं इसके? और तू मुंह से बोल, कहाँ जा रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम भूल गए हो क्या, सोमवार को वो व्रत रखता है और आज उसका मौन व्रत है। और वैसे भी मैंने काम दिया और वो मार्केट जा रहा है। अच्छा, सामान लेने जा रहा है। रामू तू एक बार ना अपना मुंह खोल। अजीब जबरदस्ती है, पागल हो गए हो क्या? जाने दो उसे। ईसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। रामू तू मुंह खोल अपना। अरे क्या पागलपंती की बात कर रहे हो तुम? मैंने बोला ना तुम्हें, मैंने काम दिया उसे, जाने दो। रामू मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, मुंह खोल अपना। राज क्या हो गया है तुम्हें और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? उस बेचारे को जाने दो, मैंने ही काम दिया उसको। रामू मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मुंह खोल अपना, खोल। राज, राज पागल हो गया क्या तुम? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको। मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, मुंह खोल अपना। ये देखो क्या निकला है इसके मुंह से। मेरा मंगलसूत्र? हाँ तुम्हारा मंगलसूत्र। तुम्हें बहुत भरोसा है ना अपने इस नौकर पे? देख लो क्या कर रहा है ये हमारे घर में। अरे चोरियां कर रहा है ये हमारे घर में। रामू मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं राज से लड़ रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम पिछले कितने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हो और तुमने हमारी उम्मीदों का ये सिला दिया। और रामू किस चीज की कमी की है तुम्हारे लिए? जब जब तुमने हमसे मदद मांगी हमने मदद की और उसके बावजूद भी तुमने चोरी की, वो भी हमारे घर में। मुझे नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक शातिर चोर है जो बहुत ही चालाकी से हमारे घर से सामान चुरा रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। नहीं नहीं मालकिन, ये सोने का मंगलसूत्र हमारा है। अरे ये क्या रामू, तेरा तो मौन व्रत था ना? देखा ईसा, आज इसकी चोरी पकड़ी गई तो इसका मौन व्रत भी टूट गया। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये इस मौन व्रत का बहाना बना के ना हमारे घर से काफी लंबे टाइम से चोरियां करता है। और एक और चीज, इस मौन व्रत के बहाने से ही ना इसने तुम्हारी सोने की बालियां भी चोरी की थी। और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बालियां खो गई थी? नहीं, इसने ही चोरी की थी। लेकिन राज तुम्हें इसके सच के बारे में कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता चला? तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने इसे कमरे में बोलते हुए सुन लिया था। वाह, मैडम का सोने का मंगलसूत्र भी हाथ लग गया। अब मैडम को क्या पता मैं मौन व्रत क्यों रखता हूँ, ताकि मैं मैडम को कोई भी सामान मुंह में रख के चोरी करके ले जाऊं और मैडम को पता भी ना चले। अच्छा हुआ मैडम ने मुझे खुद ही बाहर भेज दिया। अब इसे बाहर से बेच के आऊंगा और सारे पैसे अपने खाते में डाल के आऊंगा। मैडम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा लालच में आ गए थे, प्लीज मैडम हमें माफ कर दो। मैडम हमें पैसों की जरूरत थी और हमें ये तरीका अच्छा लगा तो इसलिए हमने ये किया। मैडम हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज मैडम हमें माफ कर दो। बस बहुत हो गया तुम्हारा, हमें ना तुम पे बहुत भरोसा था लेकिन आज आज तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें काम से मत निकालो प्लीज मालकिन। अबे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला उसने? उसने बोला निकल यहाँ से, तो निकल।